अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने आप से ईमान में रखे। बहुत ही प्यारे से और मज़े के डिज़ाइन से फिर भी आपके लिए लेके आई हूँ फिर से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिज़ाइन है वो हमें इस तरह से फ्लोरल प्रिंट में ऑफ वाइट के ऊपर डिज़ाइन है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आजकल नेकलाइन का डिज़ाइन चल रहा है उसको वो हमने डिज़ाइन किया है बॉटनेक है। और दोनों साइड पर इस तरह से जो वियन वाला इस तरह से एक पत्ता स्टाइल होता है वो बनाया दोनों तरफ। जो ओवर बॉटनेक है उसके अंदर हमने लूप्स फिल किए हैं और ऑल राउंड लगा दी है लेस। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। इस तरह से जो हमारी लेस लगी है पर ब्राउन कलर में ही या मैरून कलर में हमने लगा दी। उसके बाद नीचे भी बहुत ही प्यारा सा चिकनकारी वाला इसका दामन बना हुआ है, जस्ट फ्रंट पे है पूरा का पूरा। ऊपर जो है उसमें भी पत्तियाँ फ्लावर्स ऐड किए हुए हैं और नीचे सारा का सारा हमने बॉर्डर और उसके अंदर हमने जो कटवर्क है कटवर्क के अंदर हमने पर्ल्स फिक्स कर दी हैं और राउंड स्लेट में फैशन पट्टी के साथ ब्राउन कलर की लेस फिक्स कर दी है, जो कि हमने नेकलाइन पे भी लगाई थी वही वाली सेम लेस हमने ऑल राउंड फिक्स की है। अगेन आपको दिखा रही हूँ नेकलाइन का डिज़ाइन। और जो गैप था जो हमने पत्ता स्टाइल या लीफ स्टाइल बनाया है उसके अंदर हमने अर्गेंजा फिल की है। अब आपको नीचे से भी पूरा दिखा रही हूँ ऊपर से नीचे तक। अब आ जाते हैं इसकी बैक साइड की तरफ। बैक साइड भी बहुत ही प्यारा सा फ्लोरल प्रिंट वाला है, स्ट्रेट बिल्कुल यह कुर्ती है। ऑल राउंड हमने दामन पे एंड स्लिट में फैशन पट्टी के साथ लेस फिक्स की है मैरून कलर की, क्योंकि इसकी फ्लावर्स मैरून थे ना इसलिए हमने लेस वगैरह मैरून यूज़ की है। ये बहुत ही प्यारी सी नीटनेस वाली लेस थी। इसके बाद आ जाते हैं इसके स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स इस तरह से स्मार्ट स्लीव्स हैं, ना फिट है ना लूज है, नॉर्मल है। और आगे से भी इसके अंदर फैशन पट्टी के साथ लेस फिल की हुई और बहुत ही प्यारी सी इसके साथ हमने कैपरी बनाई है। कैपरी का पंचा जो है वह फिटेड है, ऊपर से ओवरऑल इलास्टिक है, नीचे से इसका पंचा है वह तकरीबन 5.5 का इसका पंचा है फिटेड पंचा। ये हो गई इस ड्रेस की ऑल ओवर लुक। इस तरह से नेकलाइन है, लूप लगी हुई है मैरून कलर में और लेस लगी हुई ऑल राउंड शोल्डर से लेकर नीचे तक। आई होप आपको हमारा प्यारा सा आज का फर्स्ट डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया हो। जो भी आज की वीडियो में से आपको डिज़ाइन पसंद आया तो उसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आया है। आई होप आपको सारी ही डिज़ाइनिंग पसंद आती होगी, क्योंकि अभी आ रहे हैं आगे गर्मियाँ, गर्मियों के हिसाब से लाइट लाइट सी डिज़ाइनिंग लेकिन स्टाइलिश डिज़ाइनिंग। आप अपने ड्रेसेस को कैसे बनाएं उसके आइडियाज़ आप लोग ले सकते हैं यहाँ से। आई होप आपकी मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल होती होंगी। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये भी बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा है, इसको हमने कॉर्सेट स्टाइल में बनाया है। फैब्रिक जो है वो कतान सिल्क है, कलर इसका स्किन कलर है कतान सिल्क के ऊपर हमने कॉर्सेट बनाया है। पूरी की पूरी जो स्लिट है डबल स्लिट वाला इस तरह से, ऊपर जो हमने कॉलर दी है वो शर्ट वाली जो कॉलर होती है वो वाली दी है। बहुत ही प्यारी सी, देख लें आप कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है कॉलर की। और इसमें हमने इस तरह के मल्टी कलर के ये पर्ल वगैरह यूज़ क्यों किए हैं वो मैं आपको जब इसके साथ स्टॉल दिखाऊंगी, स्टॉलर के साथ फिरोजी उसमें टच आ रहा है इसलिए हमने ये जो ऊपर हैंगिंग्स वगैरह लगाई है वो फिरोजी लगाई है। स्लिट में ओवरऑल हमने सेम ही फैब्रिक के फैशन पट्टी ऑल राउंड यूज़ की है। आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा रही हूँ। इस तरह से स्लीव इसके बहुत से छोटे छोटे से हैं, बैक साइड भी इसी तरह से और नीचे से भी बिल्कुल जो स्लिट हैं जैसा कि कहा था कि स्लिट छोटे छोटे से हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, तो क्योंकि ये कॉर्सेट है, कॉर्सेट आपको पता है उसकी लेंथ ही छोटी होती है। इसकी लेंथ जो तकरीबन 29-30 इंचज की थी। स्लीव्स बिल्कुल स्ट्रेट में रखी हैं लूज लूज। और आ जाते हैं इसके साथ का जो ट्राउज़र है या कैपरी है, कैपरी भी फिटेड है, स्मार्ट फिट ट्राउज़र है इसका, फ्रंट प्लेन बैक इलास्टिक इस तरह से। और पैंचा जो है ये भी 5.5 का पैंचा। अब ये देख लें ये इसके साथ का स्टॉलर है, तो इस वजह से हमने इसमें जो फिरोजी कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं इसलिए हमने एक्सेसरीज जो लगाई थी इस शर्ट के ऊपर वो इसी कलर की ही लगाई थी। अब आपको कंप्लीट लुक दिखा रही हूँ कि जब आपने इसको कैरी किया हुआ होगा या पहना हुआ होगा तो इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। बहुत ही प्यारी है रेगुलर वेयर के हिसाब से, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं उनको इस तरह की बहुत ही प्यारे से डिसेंट से रेगुलर के हिसाब से रखते हैं। और स्टॉलर के साथ क्योंकि आप
जॉब कर लें इसके साथ तब भी अच्छी लगेंगी, या इसको इस तरह से साइड पे कर लें कह रही तब भी बहुत अच्छी लगेंगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा चिकनकारी वाली एम्ब्रॉयडरी की हुई है, फ्रंट और बैक दोनों पे बहुत ही प्यारी सी नीटनेस वाली एम्ब्रॉयडरी है। और हमने जो स्लिट बनाई है, एक स्लिट प्लेन रखी है और एक स्लिट इस तरह से चेक स्टाइल में, इसका जो ट्राउज़र है उसका हमने टच दिया है, ऊपर जो कॉलर भी इसी चेक वाली फैब्रिक की लगाई है, और जो प्लेन वाली स्लिट है ऊपर वाली उसके अंदर लेस, छोटी छोटी सी जो लेस आती है ना शटर लेस, वो फिक्स की है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाइट थी तो इसलिए हमने स्लिट में भी ओवरऑल वाइट कलर की ही लेस फिक्स की है। बहुत ही छोटी छोटी सी लेस है, जैसे इसका टच आ रहा है, इतनी मतलब मोटी या दूर से प्रोमिनेंट वाली नहीं है। जो फैशन पट्टी हमने यूज़ की वो तो इसके ट्राउज़र के फैब्रिक की ही थी, ताकि इसका ट्राउज़र का फैब्रिक है वो उसके साथ थोड़ा सा मैच हो जाए, क्योंकि इन्होंने चेक वाला फैब्रिक लिया था ट्राउज़र के लिए। बैक साइड भी इसी तरह से है, शेरवानी कॉलर कितनी प्यारी लग रही है, मुझे तो इतनी फेवरेट है, मेरे हर सूट पे शेरवानी कॉलर होती है, मेरी तो फेवरेट है शेरवानी कॉलर। स्लीव भी इसके बाद ये स्लीव्स हैं, स्लीव फिटेड हैं, आगे जो है वो भी लेस लगी हुई है फैशन पट्टी के साथ। देन इसके बाद आ जाते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ, ट्राउज़र भी इसका स्मार्ट फिटेड कैप्री है, नीचे से 5.5 इंच का पांचा है और इलास्टिक ओवरऑल है, ब्लैक कलर, वाओ मेरा फेवरेट कलर ब्लैक। इस तरह से जो बहुत ज़्यादा नेकलाइन आजकल चल रहा था, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा गैप नहीं किया, थोड़ा सा 3 लीव्स का सीक्वेंस देते हुए इस तरह से बनाए हैं। इसके अंदर रेड कलर की फ्लावर्स वाली लेस कट करके लगाई है, क्योंकि इसके अंदर रेड का टच आ रहा है, इसलिए हमने रेड कलर की लेस लगाई है, और कहीं भी लेस का हमने टच नहीं दिया, सिर्फ नेकलाइन पे दिया है। इसके साथ आप लोग ब्लैक कलर का प्लेन दुपट्टा भी रख सकते हैं और रेड कलर का भी रख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। स्लिट में भी हमने सेम फैशन पट्टी को हमने ओवरलैप करके लगा दिया, बैक साइड पे भी बिल्कुल प्लेन है, राउंड नेक है, और ये बैक साइड का भी इसी तरह से ही है कि इसके साथ जो स्लीव्स हैं वो लॉन्ग हमने रखी हैं, क्योंकि पूरी की पूरी स्लीव्स हैं वो फिटेड हैं। आगे बटन पट्टी हमने रख दी है, बटन अभी लगाने वाला है, वो बाद में लगा दिया जाएगा, लेकिन ये बटन पट्टी इस तरह से स्लिट बनाई है, बहुत ही प्यारी सी और डिसेंट डिज़ाइन है। इसके साथ की थी हमने इनकी बेटी की ट्यूनिंग, सेम ड्रेस का डिज़ाइन रखा है, ऊपर नेकलाइन का डिज़ाइन सेम रखा है, लेकिन इसके साथ हमने नीचे जो ट्राउज़र की है वो गरारा है, मदर का कुछ भी नहीं था, लेकिन बच्ची का गरारा बनाया, बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन लग रहा है। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।